सब्सक्राइबर कविता खास का स्वागत करते हैं लाइफ इंडिया न्यूज में। आइए हम नजर डालते हैं कल की छोटी बड़ी खास खबरों पर। बांदा में उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2013 के 11,786 मेडिकल पास अभिच्छार्थियों ने इच्छा मृत्यु जारी करते हुए जिलाधिकारी को देते हुए आवेदन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2013 से संबंधित हम सभी अभ्यर्थियों को 2013 से अब तक यानी कि 2019 तक शारीरिक व मानसिक और आपराधिक रूप से भी शोषित व परेशान किया जा चुका है। हमारा आत्मविश्वास लगभग समाप्त हो चुका है और निराशा के भाव है। हम लोग जीवन यापन आत्मसम्मान के साथ करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि 55,000 अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया गया था और सभी का परीक्षा पूर्ण कराने के उपरांत दिनांक 16 जुलाई 2015 को 38,315 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप के चयन करके उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है और शेष रिक्त पदों पर अग्रसित कर दिया जाता है। तब से हम लोगों को प्रशिक्षण पर नहीं भेजा गया, इसलिए हम लोगों ने इच्छा मृत्यु फैसला किया है। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। जाता है जिसको हम लोग कोर्ट में चुनौती देते हैं, इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश आता है जिसका पालन सरकार द्वारा किसी भी कीमत में नहीं किया जा रहा और हम लोग को आश्वासन देके वहाँ से बार बार हटाया जा रहा है। इसलिए हम लोग अब हमारे जीवन में हम लोग ओवर एज हो चुके हैं और हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं, तो हम लोगों ने ये ठानी है कि या तो हमें ड्यूटी पत्र दिया जाए या तो हमें इच्छा मृत्यु की मांग की जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें यूपी लाइव 100 न्यूज़।